सीरियसली बढ़ गया बहुत। तो आज है 15 तारीख और आज साइक्लोन आने वाला था, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। इतनी हवाएं चल रही है, धूप एकदम कहाँ गया, देखो एकदम धूप सर पे चढ़ के रखी है। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म, तो वही सीन है आज। ये जो कहावत है इंग्लिश की वो एकदम सच होने वाली है। दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म। द स्टॉर्म एक्चुअली बोला गया था 4 बजे साइक्लोन हिट होगा, अभी 3:15 हो रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई साहब क्या ढूंढ रहा है भाई, उधर घूम रहा है ऐसे तूफान में, तो हैं लोग घूम रहे यार ऐसे हालत में भी, क्या बात है यार, हिम्मत है लोगों में। ये देखो कोई तो बाइक आ रही है। ये साइक्लोन जो है एक्चुअली कल शाम को 4 बजे आने वाला था, जो कि नहीं आया और फिर रात को आया। हम लोग तो सब सो गए थे, लेकिन रात को जो आवाज़ आ रही थी बस हवा की, छप्पड़ के उड़ने की, अभी भी जल रहा है वो छपड़ा, रात को उड़ रहा था। थैंक गॉड मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, और मेरे बाइक और मेरी एक्टिवा ये छपड़े के नीचे है, तो वो भी सही हो गया। अरे बाप रे, एक्चुअली ये प्रॉपर जो बोलते हैं, अंदर चल के बात करता हूँ। एक्चुअली एक अच्छी चीज़ ये है कि आय ऑफ एक साइक्लोन जो आय होती ना, वो यहाँ पे नहीं थी, वो बाहर बाहर से चले गई। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके वो है, लेकिन काफ़ी तगड़ा है बॉस। फिलहाल घर पे तो लाइट वाइट जो इन्वर्टर है वो सब खलास हो गया, नथिंग टू यूज़। मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, कैंट डू एनीथिंग, तो फिलहाल वीडियो बनाना बनता है, तो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो। हाँ भैया कैसे चल रही तुम्हारी नींद, कैसे हुई? नहीं नींद कैसी हुई रात को, डर में बुड़ 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 बुड़, ये आवाज आ रहा है, ए वो आवाज आ रहा है, ए ये उड़ गया, ए वो उड़ गया। ठीक है, आपने क्योंकि आपने 98 का साइक्लोन आपने वो की देखा है ना, इसलिए वो तो डेंजर था भाई, उसमें तो बहुत आर्टिकल भी मैंने ही लिखा था, तो मुझे पता है, मैं सब देखने के लिए गई थी। डेंजर भाई डेंजर, चलो ये रूम में ज्यादा डेंजर आवाज आ रही है, तो आगे वाले साइड से कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या आवाज आ रही है रूम में। रात को कैसे सोए होंगे भगवान जाने। बोलो ये रूम में ज्यादा आवाज आ रही है, तुम लोग रात को सोए कैसे? खिड़की में से वो हो रहा है, वाला रूम में तो कम आ रही है मेरे को। अरे यार सब उड़ रहा है सब, अरे दरवाजा होल नहीं कर पा रहा है इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट यूजलेस है भाई। अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है वो। टाइम क्या हो रहा है आदि? 10:15 हो रहे, और ये अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। अरे बाप रे मेरा हाथ अंदर लग गया, यही से करो यार, डेंजर हो गया भाई, पानी बंद आ रहा है, बंद करो बंद करो। सीरियसली बढ़ गया बहुत, ये सब कांच खिड़की यहाँ की जो कांच है टूट गया है, ये तो मैंने कस के बांध के रखा है। इनफैक्ट ये भी खुला नहीं है, बंद ही है खिड़की, कांच सब जगह फैला हुआ है। ये टूट गए ना, टुकड़े वापस आ जाएंगे, इसलिए इसको निकाल देना ही सही रहेगा। आपको बांधने में कुछ है क्या मेरे पास? हैमर चाहिए? नहीं हैमर नहीं चाहिए, टूटा हुआ है खाली, उसके अंदर से वो पड़ा है। चलो एक खतरा तो कम हो गया, किसी सर पे नहीं गिरे कांच।
इतनी सारी बाइक्स लेने के बाद कान साफ करते हुए बाइक्स लेने के बाद इतनी सारी महंगी बाइक्स लेने के बाद यहाँ पे कान साफ करते हुए। अरे भैया ये है जिंदगी। और क्या तो व्यू आ रहा है खिड़की में से अभी। ऐसे पता जब मैं कैरेबियन में था ना ट्रेनिंग, पापा का मैं शोरूम थोड़े बड़े कार चला देते थे, क्या नहीं होती थी सबके ऊपर वो टेप लगा देते थे, वो टेप नहीं डक टेप, डक टेप सब कार से लगा देते थे। ये देख कटा गया, बंद कर दूं? हाँ बंद कर, बस हो गया, बंद कर दे। ये कितना कर रहे हैं हम लोग, करो करो, पूरा पानी घर के अंदर आ गया भाई। इतना तो सोचा नहीं था कि होगा वैसे। अरे यार पत्ते है ना, क्या करेंगे। ओ भाई तो गाइस इस बार हम विष्णु भाई से मिलने आए थे और मेरी अकेवा सही सलामत, बाकी आप हालत देख सकते हो क्या हो रखा है। और आपको दिखाता हूँ बाहर रोड पे क्या हाल हो चुका है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पेड़ गिर गए हैं, यहाँ पे जितने सारे पेड़ थे वो गिर चुके। ये देखिए रोड आपको दिख रहा है। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, मैं और जैनिस कार लेके निकलेंगे, थोड़ा मुआयना करें कि बाहर क्या सीन हो रहा है, अगर खाने के कुछ मिले या पीने का कुछ मिलता है, खाने पीने के पानी का बॉटल वो सब लेना है, ब्रेड ब्रेड कुछ मिले तो घर के लिए वो ले लें। और मेरा कैमरा शायद साफ नहीं इसलिए इतना धुंधला रहा है, पहले कैमरे को साफ कर देता हूँ। एक मिनट, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है पहले से। एनीवेज तो अभी हम निकल रहे बाहर। ए ये कहाँ निकला यार, कम है कैफिन, लेट्स गो इनसाइड, कम डार्लिंग। और लाइट का सीन ऐसा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि लाइट आएगी 24 to 48 hours में, तो यार घर पे लाइट नहीं है। और अब हम कार में जाके थोड़ा अपना मोबाइल वोबाइल चार्ज करेंगे, मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी अभी 20% ही है, सो विल चार्ज इट इन कार। और एक जरा चक्कर भी मार के कि क्या सीन है, क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ खुला है कि कुछ नहीं खुला है। और हवा अभी भी है तो कुछ ऐसा हालत है, ये सब टूट गया है। गार्डन में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बाहर से अंदर से क्या हाल है भगवान जाने। नहीं नहीं झाड़ बाड़ अंदर भी टूटे हुए हैं। हाँ जी, गार्डन का इतना ज्यादा नुकसान फिलहाल कंपैरेटिवली तो नहीं हुआ है। और ये है कुछ हमारे घर से निकलते सामने का सीन। अगर कल हम नजारा देखते तो रोड दिखाई नहीं दे रहा था, सिंस पूरा भरा हुआ था पानी से, पानी से भरा हुआ था। और जो बारिश थी वो भी बहुत मतलब इतना हवा के वजह से, ये देखो यहाँ पे भी झाड़ गिरा हुआ है हर जगह पे, एक्चुअली नुकसान काफी हुआ है। बट अगर हम 98 के साइक्लोन से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली काफी ना के बराबर हम कह सकते हैं नुकसान हुआ है, ना के बराबर। कैजुअल्टीज नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रिकॉशंस काफी लिया था इस बार गवर्नमेंट ने, व्हिच वाज अ रियल गुड थिंग। वायर नीचे गिरी पड़ी है। ओह ये तो पूरा है ही नहीं, ये देखो। ओहो हो ये देखिए, रुक मैं ज़ूम करता हूँ, ज़ूम होगा ये, ये दिख रहा है, ये तो पूरा रोड जैसा ब्लॉक ही हो गया है भाई, कुछ है ही नहीं। सर्विस लेन है, ये सर्विस रोड है लेकिन एकदम ब्लॉक हो गया यार। और ये देखिए हम अभी आए हैं मार्केट में, मार्केट में आए जहाँ पे काफी सारे झाड़ पोल्स सब कुछ उलट पुलट हुआ है। अच्छा लाइट भी नहीं चालू किया क्योंकि सब केबल नीचे पड़ी है। हाँ। लाइव वायर हो क्या हो कुछ पता नहीं है, वो पहले सब क्लीन अप वायर वायर उठाएंगे सब करेंगे उसके बाद। ये देख तो भीड़ तो बहुत है नहीं। क्या करना है। तो जी हम अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर, थोड़ा समोसा वमोसा मिल रहा था, बाकी ब्रेड तो अवेलेबल किधर भी नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है और फिर वो सब सीन है तो ब्रेड किधर नहीं मिल रहा है। और दूसरे जो रेकड़ियां हैं पकौड़े वकड़े समोसे वो एकदम रेकड़ी ओवरफ्लो हो रही है लोगों से फुल, मतलब छोड़ है ये भी लेके मतलब नहीं है कितना टाइम वेस्ट करना, तो जो मिलता है फिलहाल ले लेते हैं। तो वो चाइनीज समोसा वो सब एक दुकान पे है जो टिपिकल गुजराती शॉप होता ना वहां से हमने लिया वो। और अभी आपस घर की ओर चल रहे, बाकी ब्लॉगिंग एंड करता हूँ घर पे और आपको पूरा
सीन आ रहे हो, बताता हूँ कि क्या सीन है, कैसा है, क्या है क्या नहीं है, ओके। चलो भाई, तो वीडियो को समराइज करें तो 15th को आने वाला था, साइक्लोन नहीं आया, फिर बोला 4 बजे आएगा, नहीं आया। फिर हम सोने गए रात को 12-12.30 बजे, तब साइक्लोन चालू हुआ। कल था 16th, पूरा दिन चालू था, आप वीडियोस में देखो क्या हाल है। और फिर आज है 17th, तो थोड़ा मतलब बारिश बंद हो गई है, धूप थोड़ी निकल गई है, लेकिन हवा है अभी भी चल रही है। मुझे लगता है आज का दिन भी पूरा ऐसे ही निकलेगा। और रोड का तो क्या सीन है, सब पेड़ गिर गए, वो तो आपको पता ही है, दैट इज़ नॉर्मल। बाकी घर की हालत बोले तो पानी नहीं है यार, तो नीचे टंकी से मैं पानी भर के आज सुबह सुबह को नहाया, कल पूरा दिन नहीं नहाया था। और फिर काम, पानी अंदर आ रहा है, वो सब रोकना, खिड़की मेरी टूट गई तो अभी सब कार्डबोर्ड लगा के रखा मैंने, पूरा घर में पानी आ गया था, सब मेस्ड अप, सब काम पूरा करने में सब चालू था। तो फाइनली अभी थोड़ा शांत हुआ, हम लोग बाहर जाके आए, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ब्रेड की तरह भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लाइट अब तक नहीं है। और लाइट का ऐसे बोल रहे हैं कि 24-48 hours लगेगा, क्योंकि हमको जहाँ से लाइट आती है, जो मेन बोर्ड से, वो मेन जो खंबा है वो गिर गया है, तो उसको भी ऐसे बोल रहे हैं कि 24-48 hours लग सकते हैं। बट अगेन लेट्स सी कितना टाइम में होता है, ना कंप्यूटर चालू है, ना कुछ चालू है, कुछ भी नहीं है घर में, इनफैक्ट नेट भी इतना चालू नहीं है, तो वीडियो कब आएगा आई हैव नो आइडिया। लेकिन जैसे लाइट आती है मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा। और अभी भी हवाएं चल रही, देखो मेरा आवाज़ में पता पड़ रहा होगा कि कितनी हवा है, मैंने माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फटाफट ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है पूरा सिनेरियो इस साइक्लोन का। आई होप सब अपने घर पे सेफ होंगे, इतना भी सीरियस नहीं था जितना हमने सोचा था, बट यस नुकसान हुआ है काफ़ी। और ये जो घर पे पानी आ जाना, और ये सब लाइट नहीं है और पानी का प्रॉब्लम है, वो भी नॉर्मल रहता है, सबके घर पे हुआ होगा, मेरे घर पे भी हुआ है, बट आई होप एवरीवन इज सेफ, किसको कुछ इंजरी नहीं हुई हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। अदर देन दिस एवरीथिंग टच बोर्ड, एवरीथिंग इज गुड, थैंक गॉड, एवरीथिंग इज ग्रेट, किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया अदरवाइज। सो दैट या वीडियो इतना ही एंड करते हैं, आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये तो साइक्लोन का था, थोड़ा मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ और अपलोड कर दूँ, तो जो लोग कच्छ में नहीं उनको पता पड़े कि कच्छ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीडियो अपलोड कर दिया। अभी आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ लाइफ, लिव इट राइट, लिव योर वे, सी यू गाइस, बाय बाय।